द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार तो दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता लगा है कि आई की टी रेटिंग और ऑनलाइन जो रेटिंग है जिससे पता लगता है कितने व्यूअर्स देख रहे हैं आई तो इस साल वो रेटिंग गिर गई है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा छः ऐसे रीज़न जिसकी वजह से आई की टी और ऑनलाइन रेटिंग गिर गई है दो में पहला रीज़न क्राउड के सबसे दो फेवरेट फ्रेंचाइजीज़ मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2022 में खराब खेल रहे हैं इतना खराब खेल रहे हैं कि आखिरी दो स्पॉट नौवां और दसवा स्पॉट इन दोनों टीमों ने ही पकड़ के रखा हुआ है दोस्तों ये तो सभी को पता है कि ये दोनों टीमों की ही फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स इनकी ही फ़ैन फॉलोइंग है और जब यही परफॉर्म नहीं कर पाते तो आई की टी रेटिंग गिरना तो लगभग तय है दूसरा रीज़न है कि बहुत बड़े खिलाड़ी जैसे कि विराट कोहली रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ने कल के मैच में बहुत बढ़िया फिनिश किया पर उससे पहले वो ज़्यादा कुछ चल नहीं रहे थे तो जो भी बड़े नाम है जो भी रिटेन्ड प्लेयर है वो लोग नहीं चल पा रहे थे विराट कोहली रोहित शर्मा सबको इनसे बहुत उम्मीदें हैं ये लोग जब नहीं चल पाते तो व्यूअर्स रेटिंग ऑब्वियसली कम होना तय होता है तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट होने लगा है जी हाँ दोस्तों हर महीने हर हफ्ते क्रिकेट 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 बहुत क्रिकेट अब लोग क्रिकेट से लगभग बोर से हो गए हैं ऐसा लग रहा है कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है चलो आके कभी स्कोर देख लिया कौन जीता कौन हारा ठीक है ये देख लिया अब चार पाँच घंटे छः सात घंटे बैठ के कोई भी अब क्रिकेट देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है आ, बहुत ज़्यादा मैचेस होने लगे हैं अगला रीज़न है दोस्तों सारे मैचेस मुंबई में हो रहे हैं महाराष्ट्र में हो रहे हैं तो इंडिया के बाकी रीजन्स में वो एटमॉस्फेयर नहीं बन पा रहा है वो जो क्राउड का जो एंगेजमेंट है इन्वॉलमेंट है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है ऐसा लग रहा था कि जो दो नई टीमें आई है लखनऊ और गुजरात उनके भी फैंस जुड़ेंगे पर जो दो टीमें हैं उनका अपने फैंस के साथ एंगेजमेंट ना के बराबर है जी हाँ दोस्तों लखनऊ की टीम तो है पर लखनऊ से कितना सपोर्ट आ रहा है फैन फॉलोइंग का कितना फैन फॉलोइंग आ रहा है ये पता नहीं लग पा रहा है ये ऐसा लग ही रहा है कि लखनऊ पूरा सपोर्ट कर रहा है जैसे कि के के आर के लिए कोलकाता चिल्लाता है सीएस के लिए चेन्नई चिल्लाता है मुंबई इंडियंस के लिए मुंबई चिल्लाता है लखनऊ के लिए कुछ पता नहीं लग रहा गुजरात के लिए भी कोई ऐसा फील नहीं आ रहा है तो फैंस का एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा कम है इस बार क्योंकि टीम खाली मुंबई तक सीमित है मुंबई में खेल रही है बाहर कोई मैच देख ही नहीं पा रहा है स्टेडियम में जाके पांचवा रीजन दोस्तों ये है कि दो साल तक हम सबने टीवी ही देखा है हम सब कुछ किया नहीं है बाहर तो टीवी से मेरे ख़्याल से लोग थोड़े बोर से हो गए हैं अब लोग टीवी देखना नहीं चाहते लोग बाहर जाना चाहते हैं इंजॉय करना चाहते हैं वीकेंड्स पे अब लोग टीवी नहीं देखना चाहते वीकेंड्स पे लोग बाहर जाके इंजॉय करना चाहते खाना चाहते हैं घूमना चाहते हैं तो हो ये भी एक इम्पैक्ट हो सकता है कि लोग होम सिक हो गए हैं और घर बैठ के अब टी नहीं देखना चाहते लोग छठा रीज़न मेरे हिसाब से ये है कि दोस्तों 2021 में दो फेज में आईपीएल कराया गया था एक तो अप्रैल में ही हुआ था दूसरा सितंबर में हुआ था फिर से छः महीने बाद आईपीएल आ गया मतलब छः छः महीने के गैप में आईपीएल आ रहा है 2021 से तो इससे भी लोग बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे इससे भी लोगों को मतलब ऐसा लग रहा हो कि यार हर छः महीने में आई आ जाता है जो वो पहले जो होता था कि एक साल वेट करना है हाँ आई आ रहा है अपनी फेवरेट टीम अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखने के लिए एक साल वेट करना है हमको वो आई का क्रेज़ था अब हर छः महीने में आई आ रहा है तो लोगों का क्रेज़ थोड़ा कम ज़रूर हुआ है तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आई की टी आर का जो व्यूअर्स रेटिंग है वो इस साल डाउन क्यों चल रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को जय हिंद